अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू के बहुत मज़ेदार सैंडविच। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, एक प्याज ली है मैंने बारीक काट लिया है, इसे हरा धनिया लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, केचप ली है मैंने 2 टेबल स्पून सिंपल वाली केचप, स्पाइसेस जो मैं शामिल करूँगी नमक हसबे ज़ायका, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला लिया है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। चलिए जी शुरू करते हैं। एक बाउल ले लिया है, बाउल में आलू को शामिल कर लिया है। आलू को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैश कर लें। इसके बाद इसमें जो मैंने प्याज बारीक काटा हुआ था वो शामिल कर दें। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं। इसके बाद इसमें हरा धनिया शामिल करने के बाद आपको जो सारे स्पाइसेस मैंने बताए हैं आप वो शामिल कर लें। नमक हसबे ज़ायका शामिल करें, अगर आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, अगर तो नमक कम है तो आप और शामिल कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 टेबल स्पून मैंने केचप के शामिल कर लिए हैं। केचप शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मेरा बैटर जो है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अपने अमेज़े को। इसके बाद मैं ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी। आपने जितने सैंडविच बनाने हैं आप उसके हिसाब से ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। मेरी कज़न आई हुई थी तो मैंने ये सैंडविच बनाकर उसको खिलाए हैं, उसको बहुत पसंद आए हैं। इसके बाद मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं, उस पर मैंने केचप अच्छे से लगा ली है। दोनों साइड्स पर केचप आप अच्छे से लगा लें नाइफ़ की मदद से। इसके बाद आपने जो अमेज़ा तैयार किया है वो आपने इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए जी, जो मैंने अमेज़ा तैयार किया था वो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर लगा लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द अज़ जल्द मिल सके। चलिए जी, ब्रेड का दूसरे स्लाइस से मैंने जो है उसको कवर कर लिया है। अब एक फ्लेम ऑन कर लें, एक पैन ले लें, पैन में ऑयल डाल लें, 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल लें आप। चलें जी, अब हमने ब्रेड का स्लाइस जो रेडी कर लिया था उसके ऊपर रख लिया है सैंडविच का। अब एक साइड से गोल्डन ब्राउन होगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। बहुत मज़ेदार सैंडविच बने हैं मेरे। ये देखिए जी, मेरा सैंडविच रेडी है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरा साथ देते रहें। मज़ेदार सैंडविच, यम्मी सैंडविच तैयार है। बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर में बच्चों को बना कर दें, सबको बहुत पसंद आएगा। आपके घर में गेस्ट आए हैं आप उनको बना कर दें और अपनी तारीफ करवाएं। एक बार बनाएं और बार बार खाएं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।